एकतर्फी प्रेमाची नशा जर सिंगेला पोहोचली तर त्याचे परिणाम किती घातक ठरतात याचा प्रत्यय भोपाळ येथील एका रक्तरंजित घटनेने आला. मोठ्या थाटात विवाह समारोह पार पडला. वरमालाचा सोहळा पार पडल्यानंतर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला. इतक्यातच नवरीचा कथित प्रियकर स्टेजवर चढला आणि त्यानं त्याच्याजवळ असलेल्या देशी कट्ट्यातून नवरीच्या थेट गळ्याला निशाणा करून दोन गोळ्या झाडून लग्नाच्या स्टेजवरच नवरीचा निर्गुण खात्मा केला. डॉक्टर जयश्री असे हे त्या लग्नाच्या स्टेजवरच शेवटची घटका मोजलेल्या नवरीचे नाव असून घटनेच्या काही मिनिटांपूर्वीच तिचा डॉक्टर रोहित समवेत विवाह सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला होता. चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सलाही मागे टाकेल असा हा थरार उपस्थित वराड्यांनी अनुभवला. तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता. कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा. चला के राख कर दूंगा दुनिया को. या आरोपीचे नाव अनुराग असे असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. सवा 11 वाजे जब वो स्टेज पे सभी से मिल रहे थे जो जयश्री और रोहित, तभी एक ये लड़का आया और इसने अचानक जो है एकदम ग्रीट करने के बहाने यानी मिलने के बहाने जो है अचानक ही मतलब जो है गले से सटा कर एक फायर किया जयश्री पे, और वो बड़ा फेटल और घातक किस्म का जो है फायर था. तो उनको इमिजिएटली यहाँ पे लाया गया सुरजी अस्पताल, जहाँ उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया. और अभी जो है आरोपी जो है अनुराग सिंह, तो इसको वहाँ पर जो है कस्टडी में ले लिया गया था. और जो वेपन इसने यूज़ किया फायर करने में जयश्री के ऊपर, तो उसको भी हमने जो है वो ले लिया है अपने कस्टडी में. और फिलहाल हम जो है जो दोनों पक्ष हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं. अनुराग चे डॉक्टर जयश्री वर एकतर